Hi guys, how are you? Assalamu alaikum. I hope and was happy, healthy with your family. I am happy too. Yes guys, thank you so much who come in new person, my home brother, sister, girl, boy, everyone. आज की जो स्पेशल वीडियो है हम चलेंगे देखेंगे एंड थैंक यू सो मच कि आप लोग न्यू स्टाइल जो है ब्रेकिंग न्यूज़ का फनी वीडियोस का आप लोग पसंद कर रहे हैं. देखते हैं जी आज ससुमा, टॉम जेरी और हमारे कार्टून्स हमें क्या बताते हैं. लेट्स गो विद मी. आज की ब्रेकिंग न्यूज है, स्वीटी मोटी जो है ना तुम्हारी बिल्ली बादशाह को मैदान में ले आई हजूर बना के. हाँ बहुत चलाकी की है स्वीटी ने. आज की ब्रेकिंग न्यूज सासुमा क्या सुनाती है देखते हैं और सुनते हैं. पता है हजूर नाम का आदमी आ गया है मार्केट में और जादू टोना करता है, काला जादू करके लोगों को देता है, घर खराब करता है, बच्चों को मार देता है और भी बहुत कुछ वो गंदे गंदे काम करता है अपने ऑफिस में बैठकर जहाँ पे उसने लिया हुआ है. तीने तो खुद ही हजूर को बादशाह को नंगा कर दिया, सबको सामने ले आई क्योंकि इनमें भी इनकी चाल है. आज की जो मैं तुम लोगों को स्टोरी सुना रही हूँ वो हकीकत और सच्ची स्टोरी है. स्वीटी और उसके खानदान की स्टोरी है जिन्होंने अंबर और शबाना बेटी के साथ जो हरकतें की, उनकी फैमिली को तबाह बर्बाद किया, उन पे इल्जाम लगाए जादू टोना कर कुर कर. तो भाई जितनी भी मेरी वीडियो है सब इसी स्टोरी पर चल रही है. जो भी नए बेटा बेटी आ रहे हैं अब पता लग गया होगा ये फैमिली कैसी है, स्वीटी की फैमिली जिसको हम मोटी कट्टी कटा कहते हैं. तो बैठ जाओ और सुनो कि इन्होंने काला जादू कैसे किया और बाबे को भी मैदान में ले आए. उस बाबे का नाम भी इन्होंने बादशाह और हजूरी बता दिया है. तो ये सारी स्टोरी सच्ची और हकीकत है. तो अंबर एक बड़ी यूट्यूबर है, शबाना बेटी भी बहुत बड़ी यूट्यूबर है. इन दोनों बहन भाइयों की सियासत देखो, पहले उन पर चारा डाला, उनके साथ दोस्ती की और अपने भाई की शादी भी उसके साथ करने की कोशिश की, निकाह कर दिया, मंगनी कर दी, सब कुछ कर दिया. लेकिन ये सब हो रहा था एक सब्सक्राइबर के लिए, व्यूज के लिए. जब उसको लगा स्वीटी को कि मेरे व्यूज और सब्सक्राइबर बढ़ गए हैं तो इन लोगों ने चाल चली के अंबर को बदनाम करना और उसको डिवोर्स देने का शुरू कर दिया. और फिर उन्होंने इस पे कामयाबी भी ले ली. उसके बाद इन्होंने सोचा कि अब यूट्यूब पे लोग हमें भी बुरा भला कहेंगे, तो उससे बचने की इन्होंने अंबर पे और शबाना बेटी पे भी इल्जाम लगाना शुरू कर दिया और जो वो अभी तक लगा रहे हैं. इनके ऊपर जादू टोना भी किया और इन पे भी इल्जाम लगाया कि ये भी जादू टोना करते हैं, लेकिन शबाना बेटी ऐसा काम नहीं करती. अब जी सारे प्रूफ विद डॉक्टर अकरम, बादशाह और स्वीटी की माँ, उसकी बातें सब मेरी सारी वीडियो में पढ़ी. आप लोग जाओ, आप लोग मेरी पुरानी वीडियो में देखोगे उसके अंदर सारी डिटेल वीडियो आवाजें बादशाह की, डॉक्टर अकरम की, जो इसके स्वीटी का हस्बैंड के होते हुए भी इसका स्वीटी का जो है बॉयफ्रेंड है. तो ये सारी स्टोरी इस चीज के ऊपर है. तो ये सारी स्टोरी कि जो इसने अंबर की जिंदगी खराब की, उसके ऊपर कीचड़ उछाला, उस बच्ची पर, उस बच्ची की इतनी एज नहीं है लेकिन उसे अपने माँ बाप के कहने पे इसका भाई मोहसन से कर ली शादी, निकाह किया. लेकिन अभी वो उनके घर पे नहीं गई थी, लेकिन उसके बाद उन्होंने उस बच्ची को घर आने से पहले ही डिवोर्स भी दे दी, उसके ऊपर कीचड़ भी उछाल दिया, उसको बदनाम भी किया और उसको ब्लैकमेल भी कर रहे हैं और दूसरे लोगों के थ्रू वीडियो बनवा बना के गंदे गंदे मैसेज और उनकी बहनों को भी ब्लैकमेल किया जा रहा है. तो इसी चीज के ऊपर पूरी मेरी वीडियो पे चैनल पे पूरी वीडियो पड़ी हुई है, जो स्टेप बाय स्टेप आप लोग जाएंगे देखेंगे, आप लोगों को स्टोरी समझ आ जाएगी. उसके अंदर बहुत सारे प्रूफ भी पड़े हुए हैं. मोहसिन ने क्या किया, डॉक्टर स्वीटी के भाई ने क्या किया, एलेक्स भट्टी के साथ उसका क्या ताल्लुक था, उसके अलावा इसकी माँ ने बादशाह के पास जाके जादू टोना किया, उसकी आवाजें मौजूद है, अंबर के लिए क्या किया वो भी मौजूद है, वकील के पास गए, इसके स्वीटी के जो इसका जो हस्बैंड है उसके बाप के पास गए, उसके अपने सुसर के पास गए, उनके पास आई, उनकी आवाजें मौजूद है और उसके साथ साथ जो कुछ भी इन्होंने काला चट्ठा किया वो सब मेरी वीडियो में मौजूद है. जिसको जो भी प्रूफ चाहिए देखना है जाकर देखे, लेकिन सब वो हकीकत प्रूफ है जो इनकी आवाजें हैं, खुद की आवाजें हैं. और जी ये सारी स्टोरी जो इसी के ऊपर चल रही, शबाना बेटी और अंबर के ऊपर, जो हम इंसाफ मांग रहे हैं, हम कह रहे हैं हमें प्रूफ दो और हमें सबूत दो और हम लोग मांगते रहेंगे कहते रहेंगे, उसके ऊपर ये सारी सच्ची स्टोरी है. तो चलते हैं जी अब स्टोरी की तरफ कि अब इन माँ बेटियों ने क्या किया है, स्वीटी ने क्या किया है, कौन सा नया खट्टा खोला है. स्वीटी मोटी मजा आया, अपने ही आग में गिर गई और खुद ही लाके तूने सबूत दे दिया बादशाह का, हजूरी का. और बेवकूफ औरत, ही तूने क्या कर डाला, अब बैठी क्यों रो रही है कि मैंने अपने पांव पे क्यों खिलाड़ी मारी, मैंने बादशाह
शाह की वीडियो क्यों दिखाई, बाकर शाह की तस्वीर क्यों दिखाई है? अब तू इतनी बेवकूफ औरत को ये पूछे इस औरत से, भाई यू टू इतनी भरी पड़ी हुई जादू टोनू की इतनी लाखों करोड़ों अरबों वीडियो, यही वीडियो बकली क्योंकि यही बाकर शाह है। हाँ, जो बाकर शाह इसकी माँ से बातें करता है वही आकर यहाँ पे बैठ के चैनल पे बातें करता, और चैनल भी इसको यूं मिल गया, मिनट सेकंड में मिल गया। वो भी इससे पहले कभी भी इसने शेयर नहीं किया, इसने अजीब कर ली, इसने शेयर किया, सबको बताया भी हजूरी है, ये है बाकर शाह जो अपने नाम को हजूरी कहता है। कितनी बात इस चुड़ैल ने बिल बतोड़ी ने, ओ चुड़ैल ओ बिल बतोड़ी, अब बताओ ये बाकर शाह नहीं ओ हजूरी है, हजूरी आए हाय हाय, हमें तो बाकर शाह का पता था, हमें नहीं पता था ये हजूरी है, और तूने लाके वो भी दिखा दिया। अब बाकर शाह जब अपने ऑफिस में बैठक में बैठेगा तो मुंह कहां छुपाएगा, तूने तो उसका मुंह ही दिखा दिया पूरी दुनिया को। हाय हाय हाय, वो वीडियो नहीं दिखाई जिसके ऊपर बाकर शाह पे सारा गुस्सा करे और वो माफी मांग रहा, अच्छा अच्छा आज के बाद मैं ऐसी बातें नहीं करूंगा, कैसी कैसी भी बैठी बातें कर रहा था। हाय हाय हाय, लेकिन तुझे तो अपना चैनल चमकाना ना, तेरे बीए ने तुझे उंगल दे दी कि चल चल बाकर शाह का चैनल को भी साथ में लेकर आए, हजूरी का सबको बताए, व्यूज आए, लोग आए हैं, वो तेरी जो महाम है जो वो भी हजूर हजूर करती, हजूरी हजूरी करती, तो उसको भी उसके पास लेकर जाती है ना, इसलिए आजकल उसके भी पर निकले उसके पास कट जाते हैं, फिर निकलते फिर होती है, फिर माफिया मांगती है, फिर आ जाती है। पर तूने तो बहुत ही बड़ा बेवकूफ, तूने तो कटाई खोल दिया, खुद ही लाके सबूत सारी दुनिया को दिखा दिया भाई ये है हजूरी बाकर शाह, जिसका था बाकर शाह, अब तेरा हजूरी किधर छुपे फिरेगा। हाय 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 हाय, इसी तरह एक दिन तू डॉक्टर अकरम को भी सामने लाकर बैठा देगी, और लिख ले मेरी बात, पते की बात बता रही, क्योंकि तेरा दिमाग वैसे ही खराब हो चुका है, रात को तू तो इतनी नशे की गोलियां खा खा कर सोती है, सुबह उठती है पागलों की तरह खुरकती रहती है, जैसे तेरी बिल्ली को खुरक पड़ी वैसे तुझे भी खुरक पड़ी। अब तू ये कहेगी तुझे ये कैसे पता चला, अभी क्या करें भाई, इतने तेरे जसूस तेरे पे छोड़ दिए हैं, पागलों की तरह कभी तो फिर कभी उधर, फिर कभी उधर, फिर कभी उधर, फिर ऐसे तो करती फिरती बिल्लियों की तरह, तू खोचल खोचल खोचलियां करती फिरती है, मियां को भी सही रात नोचती रहती, तेरी आंख तो ठंडी होती नहीं, दर्द यार तुझे पाल के रखे, हर एक के पास तू जाती है, है मियां बेचारा क्या करे, मियां क्या करे, मियां तो कुछ नहीं कर सकता है। अब देख डॉक्टर अकरम क्या करता है, हाय बल्ले 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 बल्ले, अब डॉक्टर अकरम ने कौन सी तेरी सोकन के पास जाकर तेरे ओ ने राज खोल दिए, कौन सी तेरी सोकन के पास जाके ओ तेरी गंदी गंदी बातें कराए, हाय बल्ले बल्ले बल्ले, तू बड़ी गंदी गंदी, तू गटर गटर करती हो, सारा गटर तेरे ऊपर ही आई जा रहा है, तूने शरीफ लोगों को बदनाम किया, शरीफ लोगों को तुमने इतना तंग परेशान किया वो भी रमजान में, अब देख तेरे साथ क्या होता है, बल्ले बल्ले बल्ले, हजूरी को तू ले आई मैदान में, हे जमाल अलूडी, हे जमाल अलूडी, हे जमाल, और जो इसके सकते चकते लगते जिगर जो इसके हक में बोल रहे हैं ना, और जाओ पहले जाओ लाहौर में देखो, दरबार है, दरबार के साथ ही ऑफिस है, ऑफिस में इसी शक्ल का आदमी बैठता है जो जादू टोने करता, लोगों को कहता किसी को बताना नहीं कि मैं काला जादू भी करता हूँ, वो तो मैंने वीडियो पे बैठ कर मैं लोगों को थोड़ा बेवकूफ बना लेता, पता लोग जल्दी बड़ा बेवकूफ बन जाती, औरतें बेवकूफ बन जाती, इसलिए तो इसकी माँ जाके बाकर शाह करती थी, मेरी बहू का रंग काला, मेरी बहू का ये हो गया, मेरी बहू का फलान हो गया, ढींग हो गया, और इससे पहले अश्वा के ऊपर भी 5-6 साल इसने काला जादू करवाया, उसका पीछा छुड़ाया है। हाय आंटी आप क्या भूल गई, यही वही बाकर शाह है, आज तुम्हें पता लगे ये हजूरी है। हाय गटर 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 करती 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 करती, देखो जी अपनी माँ पे भी सारा गटर फेंक रही, बाप पे भी फेंक रही, भाई पे भी फेंक रही, सब पे फेंक रही, भाई की बीवियों पे भी फेंक रही, भाई के ससुरालों वालों पे भी तेरी माँ ने जो काला जादू कराया, फिर उसके दो दो बच्चों पे काला जादू कराया, लड़की पे लड़के पे, उसके खानदान पे जादू कराया, शाजिया के तो तुम लोगों ने जो बुरा हाल बेचारी पे कर दिया, बेशक वो अमेरिका में रहती है लेकिन जादू टोना तो तेरी माँ ने किया ना, सारी तेरी वो माँ की आवाज है, तू कहती है मेरी माँ की आवाज, बल्ले 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 तेरी माँ की आवाज, आए अल्लाह मैं सदके, आए 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 आए, आग लगी तन बदन में भाई स्वीटी के, आग लगी तन बदन में, आए स्वीटी हुश हुश हुश, हाय स्वीटी हुश हुश हुश, हाय 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 स्वीटी, ऐसी बात ना जो सारे लोग माने, 5-6 लोग माने तो उसमें क्या मजा, तो वो पूरी दुनिया माने, चैनल आके तूने रख दी, अब चैनल पे व्यू आएंगे, तू भंगड़ा डालेगी अपने मियां के साथ, ओ तेरा मियां बैठा हुआ ओ हथे रख बल्लो की हो गया, पर इतने सालों से तूने एक अच्छा काम किया, हजूरी को ले आई, शक्ल दिखा दी, चैनल दिखा दिया, बल्ले बल्ले बल्ले, अब सब ये नहीं कहेंगे ये कौन है, एक दिन किसी तो डॉक्टर को भी ले आएगी, तेरा दिमाग इतना खराब हो चुका है तुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, खुद ही लाके प्रूफ हमें दे रही है, हमें दिखा रही है, अब सब ने देख लिया, अब सब बल्ले बल्ले कर रहे हैं, वाह वाह वाह, लख लाना तस्वीर, तूने खुद ही अपना प्रूफ दे दिया, खुद ही तू चैनल ले आई,
लोकल लोगों को क्या पता है कि भाई ये जादू टोना होता है। हाय सदके सदके चल बता खा कसम ये हजूरी वाला नहीं है पापड़ शाह। बोल अपनी माँ को बोल है सजा देकर रखी हुई ससुराल वालों को जो तूने सताया तंग किया अपने ससुर को अपनी सास को इतना लोगों को खपाया किया बेटे को उनसे दूर रखा तो अल्लाह ने की ना की सजा देनी है ना। माँ की जो हाय होती है ना वो भी जाके ऊपर को लगती है और वो लगी तेरे ऊपर। अब तेरी आज गोद खाली अब तुझे क्यों लगी आग। हाय 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 अथे रख मजा आ रहा है ना सास ससुर नंदो और जेठो और उनके साथ उन्हें क्या क्या किया जाकर सब तुझे पता है तू क्या क्या तुझे घटोले मारे हैं और तेरी सास ससुर को तो पता चल गया किसके कितने यार आग लग रही ना। हाय हाय तन बदन में शोले शोले अब कह मैनू नोट वखा मेरा मूड बने जा अपने उन खसमों के पास कह सानू नोट वखा साड़ा मुंह बने है बच्चा कोई तुझे दे नहीं रहा पागल तू हो गई है कभी बकर शाह कभी ये शाह कभी वो शाह कभी डॉक्टर शाह कभी अकरम शाह बस इन सब शाहों के पीछे तू घूम रही है सबको कह रही कोई तो मुझे बच्चा दे दे जो अकरम अपनी जबान से बता रहा है कि ये तो बच्चे के लिए तरह पागल होगी जगह 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 कुत्तों की तरह घूमती फिरती मुझे बच्चा दे दे बच्चा दे दे बच्चा दे दे बच्चा दे दे बच्चे बीबी ऐसे नहीं मिलते बच्चे जो होते हैं ना वो हक हलाल से आते हैं। हाँ वो ऐसे नहीं आते बदनामी के बच्चों को क्या तूने कहा ना जो बच्चा बच्चा करती जा तुझे एक मशवरा देती हूँ इतने मासूम बच्चे रोडों में पड़े हुए उठा ले किसी गोद में उठा के ला के पाल पोस अपने गुनाह तेरे खत्म हो जाएंगे जो इतने सालों से यूट्यूब पर बैठ कर तू कर रही है ना यूट्यूब रो बहन बहनों की रिश्तों को खराब कर रही है तू ऐसा नेकी का काम कर ले तो तेरी जो नेकी है वो लिखी जाए तेरे गुनाह झड़ जाए कुछ कर ले है ये तू जो आ जाती है ना मोटी दन दनाती फिरती हुई दूसरों के ऊपर बातें करती हुई पहले अपना घर देख मियां तो तेरे से संभाला नहीं जाता मियां से तू नहीं संभाली जाती डॉक्टर अकरम को तूने बुड्ढे को फंसा के रखा हुआ है बाबा जी को तूने फंसा के रखा हुआ है जाके उसके पास बैठती है पांच पांच छह छह घंटे कमरे में बंद कर कर बीबी ये तो बता क्यों बैठती है बाकर शाह के पास बता ना ये पास तो जवाब ही नहीं है बताएगी कहाँ से है नया कट्टा तो तू खोल के ले आई है बाकर शाह बेचारे को बीच में ले आई मैंने तो उसकी शक्ल ना दिखाई तस्वीर ना दिखाई रिपोर्ट तो पूरी पहुंच चुकी थी विद वीडियो पर मैंने कहा कोई नहीं बाबे को क्यों तंग करना अब तूने ही बाबे को तंग करना शुरू कर दिया है चल भाई अब बाबे के पास जा और दोबारा जादू टोना करा के ला जो झूठ तू बोलती है लालत तेरे मुंह पे ही बरस रही है। अरे अल्लाह जी लालत क्या बरसनी है गो तेरी खाली। एक चुड़ैल यहाँ पे घुस कर बाथरूम में मेरे बेटे के साथ क्या कर रही थी मेरे दामाद के साथ तू क्या रंग बिरंगिया में ला रही थी अभी मैं स्वीटी को बताती हूँ देख तेरी सहेली क्या कर रही बाथरूम में। स्वीटी देख तेरी दोस्त आके तेरे मिये को बाथरूम में ले जाके उसको लटा के उसके साथ क्या कर रही थी अभी मैंने इनको पकड़ा और मैंने इसको देख कैसा इसका गला दबा रही हूँ इतनी बेशरम औरत तूने सहेलियां पाल के रखी हुई हैं। इसा सुबह में कुछ भी नहीं कर रहा था मैं तो बैठा हुआ बातें कर रहा था इसको कहा स्वीटी मेरी बात नहीं सुनती चल तू आ जाके मेरी बात सुन ले बस सासुमा और मैंने कुछ भी नहीं किया कोई भी कसम ले लो सासुमा तुम्हारी कसम सासुमा सिर्फ मैंने इसको यही बोला मेरे साथ आके जरा बाथरूम साफ करते फ्लश साफ करते जरा ये फ्लोर साफ करते अब मैं लेट कर खुद ही फ्लोर अपने मुंह के साथ साफ कर रहा देखो मुंह के साथ साफ करो सासुमा मुझे बचा लो सासुमा स्वीटी मुझे मार देगी मार। मुझे सोता छोड़कर तुम इस काली के साथ क्या कर रहे थे वो तो भला मेरी माँ का उसने आके इसको पकड़ लिया इसका गला दबा लिया तुम नीचे लेटे हुए फर्श के ऊपर क्या कर रहे हो तुम्हें मुझसे कोई नहीं बचाएगा मैं तुम्हारे ऊपर बैठ जाऊंगी। आज पता लगा जब मेरी ये दोस्त आती थी घर में तो तुम इतना हंसते क्यों थे नहाते धोते क्यों थे अच्छे कपड़े क्यों पहनते थे मेरे पास तो गंदे बदबू के मारे हुए आ जाते थे मैं कहती भी थी ब्रश करके आओ तो करता नहीं था और इधर देखो क्या रंग रंगिया मिल मेरे साथ जो तुमने करना था वो कर लिया अब जो मैं तुम्हारी चटनी बनाऊंगी तुम्हारे ऊपर बैठूंगी ना तो तुम बाँ बाँ करोगे अपनी अम्मा अब्बा को बुलाओगे कि बचा लो मुझे स्वीटी मोटी से बचा लो पर तुम्हें कोई बचाने नहीं आएगा। हाँ वेलकम बैक आई होप आज की वीडियो ब्रेकिंग न्यूज फनी स्टाइल की आप लोगों को अच्छी लगी होगी थैंक यू सो मच जजाकल्ला खैर टेक केयर अल्लाह हाफिज एंड बाय गाइज़।